हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक क्रेज़ी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी। कढ़ी हम सबकी पसंदीदा डिश होती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कढ़ी पसंद ना हो। सभी जगह कढ़ी को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कहीं आलू डालकर बनाया जाता है, कहीं सब मिक्स वेज वाली कढ़ी बनाई जाती है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कढ़ी, मैं बनाऊँगी स्पेशल तड़के के साथ। जो भी खाएगा वो ही कहेगा वाह क्या कढ़ी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हम लेंगे लगभग 1 किलो के आसपास ये लस्सी है। अगर आपके पास दही है तो आप दही से भी बना सकते हैं। मेरे पास ये लस्सी रखी हुई थी तो मैं लस्सी से बना रही हूँ। आप चाहें तो दही से भी बना सकते हैं, लेकिन दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। ये लस्सी मेरी थोड़ी खट्टी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। 1 कप इसमें हम डालेंगे बेसन। थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमने बेसन को, एकदम से नहीं डालना। और हम इसको बिस्कर से या आपके पास स्पून हो उससे मिक्स कर सकते हैं। स्पैटुला से भी हो जाएगा मिक्स। इस तरह से स्पून करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये मैंने बारीक वाला बेसन लिया है, उसको मैंने छान लिया था। छानने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर हम इसको एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसमें लम्स ना पड़े इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे। सारा डाल देंगे अब हम इसको। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है चला चला के। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। दही में इसको बेसन को डालकर आप इसमें ब्लेंडर चला सकते हैं। ब्लेंडर से भी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। हैंड ब्लेंडर तो सभी के घर में होता है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर भी नहीं है तो आप रई ले सकते हैं, जिससे हम लस्सी भी लोते हैं ना, मथनी जो बोलते हैं हम उसको, तो हम वो भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने दही से या लस्सी से दुगना, हमने डबल पानी डालना है इसमें। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से और मिक्स करेंगे। हमने इसमें अब कुछ भी नहीं डालना। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देंगे ताकि जो हमने इसमें बेसन डाला है वो फूल जाए। इसको ढक करके एक साइड में रख देंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। इसको एक बार और चलाएंगे और फिर हम बनाएंगे अपनी कढ़ी। अब हम लेंगे कढ़ाई। हमने इसको खुले बर्तन में ही पकाना है। कोई कोई होता है ना, कुकर में पका देते हैं। कुकर में बेसन को जगह नहीं मिलती फूलने के लिए, तो इसलिए हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। हमने कढ़ाई पर ऑयल को गर्म किया, उसमें डाली मेथी और हींग। मेथी दाना होता है ना, मेथी दाना डाला इसमें और हींग डाली है। इसके बाद हम इसमें फटाफट से जो हमने कढ़ी का मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे और फटाफट से इसको ढक देंगे ताकि इसकी जो महक है वो बाहर ना निकले। करीब 4 से 5 मिनट के बाद हम कढ़ी को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, और डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे भी हमारा अच्छा कलर आएगा कढ़ी में। और हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बस हम 2-3 मसालों से इसको बनाएंगे। कढ़ी में ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता। हमने अभी इसमें नमक नहीं डाला है और नमक अभी डालना भी नहीं है। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी और इसको मिक्स कर देंगे। और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें कटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको मिक्स करके तेज आँच पर 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ गया है। अब हमने क्या करना है, गैस को कर देना है बिल्कुल सिम, मतलब धीमी आंच कर देनी है, और हमने इसको धीमी आंच पर पकाना है। तो ये साइड में जो मलाई आ रही है ना, इसको भी हम साइड साइड से हटाते हुए चलेंगे और ये गाढ़ी होती चली जाएगी। अगर आपको कढ़ी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। कढ़ी को जितनी धीमी आँच पर पकाओगे कढ़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी और मलाईदार भी बनेगी। अब हमें कढ़ी का कैसे पता चलेगा कि हमारी कढ़ी बन गई है? हमारी कढ़ी पर आ जाएगी एक मलाईदार परत आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कढ़ी बन गई है। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम करते हैं पकौड़े बनाने की तैयारी। कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप बेसन, 1/2 छोटी चम्मच लिया हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है मैंने।
अब इसका हम बैटर बनाएंगे। हमने बैटर ऐसा बनाना है, ना गाढ़ा हो ना पतला हो, अपने देसी स्टाइल में बनाऊंगी मैं अपने हाथों से। मुझे हाथों से ऐसे फेंटना सही लगता है, इस तरह से गुठलियाँ भी नहीं पड़ती। आप चाहे तो बिस्कर से या स्पून से भी कर सकते हैं, मैं अपना देसी स्टाइल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए बैटर की इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपने रखना है अपने बैटर को पकौड़ी बनाने के लिए। हमने इसकी अभी पकौड़ियाँ नहीं बनानी, अभी हमें इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है और फिर हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। एक प्लेट से ढक देंगे इसको। कढ़ी आधी पकने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। 15-20 मिनट के बाद बेसन थोड़ा फूल गया था तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको और पतला कर रही हूँ। मान लो आपका बैटर ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा और बेसन ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हो। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल है ये, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। अब हम कढ़ाई को में ऑयल को गर्म करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकौड़ियों को तलेंगे। आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, अगर आप तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से आप स्पून से आराम आराम से डालते रहेंगे। जिसको हाथ से प्रैक्टिस हो ना, हाथ से भी डाल सकते हैं, कोई कोई होता है हाथ से भी डालता है, तो आराम से ही डालें, कहीं हाथ ना जला लें अपना। पकौड़ियाँ डालने के बाद आधे मिनट तक इनको टच नहीं करना है, उसके बाद एक स्पून से आप इनको उलट पुलट कर सकते हो। ये देखो सिकने के बाद ये ऊपर आ रही है ना, तब आप इनको उलट पुलट कर सकते हो। तो देखिए हमारी पकौड़ियाँ सिक करके तैयार हो गई है। अब हम एक प्लेट पर टिश्यू पेपर लगाएंगे। अगर आपके ऊपर टिश्यू पेपर ना हो ना तो दूध पे वो छन्नी ढकते हैं ना, आप किसी प्लेट के ऊपर उसको रख दो और फिर उसके ऊपर ये पकौड़ियाँ निकाल दो, तो जो उसका एक्स्ट्रा तेल होगा इसमें से निकल जाएगा। ये देखिए सिक गई हमारी पकौड़ी, निकाल लेते हैं इसको प्लेट पर। इस तरह हम सारी पकौड़ियों को सेक लेंगे। चलते हैं कढ़ी की तरफ। देखिए हमारी कढ़ी पक करके हो गई है तैयार। देखिए कढ़ी पर मलाई की परत आ गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे सारी बनाई हुई हमारी पकौड़ियाँ और पकौड़ियों को कर देते हैं मिक्स। इसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें तड़का, तो तड़के की तैयारी करते हैं और लगाते हैं तड़का। अब हम लेंगे एक पैन, पैन में हम ऑयल को गर्म करेंगे और मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया था और हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जैसे सब्ज़ी के लिए भूनते हैं इसी तरह हमने इसको भूनना है। देखिए हमारी प्याज ने थोड़ा थोड़ा भुनना शुरू कर दिया है, हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, थोड़ा सा हमने इसको और भूनना है। थोड़ी हल्की भुनने के बाद प्याज हम इसमें डालेंगे 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। ये मैंने लाल वाली सूखी लाल मिर्च ली है, इसका डंठल तोड़ दिया था और 4 मिर्चें इसमें मैंने डाल दी है। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, पहले भी डाली थी ना हमने, इसलिए अब आधी छोटी चम्मच ही डालेंगे। और हम सारे तड़के को कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। देखिए इस तरह से डालना है। देखिए मेरी स्पेशल तड़के वाली कढ़ी हो गई है तैयार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप कब बनाने वाले हैं कढ़ी, फटाफट से मुझे कमेंट कर दो। जो कढ़ी खाने के शौकीन है, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दो। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझसे कोई और रेसिपी चाहते हैं देखना या सीखना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।